आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। यूक्रेन में जारी रूसी हमले को रोकने में भले ही पूरा विश्व नाकाम साबित हो रहा हो, लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में जब यूक्रेन वासी यूक्रेन छोड़कर भाग रहे हैं, वहीं यूपी के औरैया जनपद के निवासी एक छात्र जो कि यूक्रेन में MBBS का फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर पहले अपने सभी जूनियर्स को सकुशल भेजने का फैसला किया, उसके बाद खुद निकला यूक्रेन से। ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत में जो जिसे 23 तारीख को अलर्ट हुआ था, और लोग 24-25 को पहुंचना चालू किया था, तो इतना ज्यादा गैदरिंग हो गई थी कि उनको भी सिचुएशन संभालने में दिक्कत हुई। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट जब तक वहाँ तक पहुँचती तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इतने सारे बच्चे थे, वो एक साथ निकलना चाह रहे थे, और एक साथ निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है बॉर्डर पार करना। तो वो सिचुएशन को हैंडल नहीं हो पाई, और उन्होंने अपना थोड़ा सा जो भी बल प्रयोग किया हो वो सब किया था। शुरुआत में हुआ था, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं। यूक्रेन के सैनिक और नागरिक जिस हिसाब से आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे थे, किस तरीके से नागरिक अच्छा कर रहे सैनिक? हमको दोनों लोग अच्छा कर रहे थे। यूक्रेन के भी सैनिक हम लोगों को निकलने में मदद कर रहे थे, और जो वहाँ के रोमानिया बॉर्डर के सैनिक थे वो भी हमारी निकलने में पूरी हेल्प कर रहे थे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने खास कार्यक्रम की तैयारी की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में महिला मार्च का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यक्रम की पूरी जानकारी के लिए प्राइम टीवी ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा से खास बातचीत किया। ये आपको सुनाते हैं क्या उन्होंने कहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कल मार्च निकाला जा रहा है। ये मार्च खासकर महिलाओं के लिए होगा। इसी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत, और जो कल का कार्यक्रम है उसकी क्या रूपरेखा है? देखिए, कल लखनऊ में 12 बजे लखनऊ के जो 1090 चौराहे से लेके हुदा देवी मूर्ति तक, वहाँ पे एक मार्च निकाला जाएगा, और इसके नेतृत्व हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी करेगी। और ये अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया, उनको आरक्षण दिया गया, तो क्या आने वाले चुनाव चाहे लोकसभा हो चाहे अन्य राज्यों में विधानसभा हो, तो क्या ये चीजें लागू रहेंगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि एक ऐतिहासिक कदम था, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये जो नीति है वो कंटिन्यू रहेगा। वहीं अगर बात की जाए तो जो कल का मार्च है जो 1090 से निकाला जाएगा और इस जगह पे खत्म किया जाएगा, इस मार्च से क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, इस मार्च से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, महिला एक साथ होके जुड़ेंगे यहाँ पे, और इट्स अ सेलिब्रेशन, क्योंकि 160 जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, और ये एक मैसेज है पूरे देश को कि कांग्रेस पार्टी ने पहली बार जो जिस तरीके से 40% रिजर्वेशन देके 40% टिकट्स महिलाओं को दिए, वो एक साथ है, एक एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए कि कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि किस तरीके से हम ना सिर्फ सोशल रिफॉर्म्स तो है ही, पर किस तरीके से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, पहले लड़ने के लिए और उसके बाद, क्योंकि वो जब लड़ेंगे चुनाव तभी तो जाके वो विधानसभा में या लोकसभा में वो बैठ पाएगी, और तभी वो लोगों की आवाज़ भी उठा पाएगी, और महिलाओं की आवाज़, सबसे पहले महिलाओं की आवाज़ तो वो तभी उठा पाएगी। और महिलाओं के लिए जो पॉलिसीज वगैरह बनते हैं, अगर आप देखते होंगे इवन लोकसभा में या कोई भी प्रदेश में जब पॉलिसीज बनती है, महिलाओं से रिलेटेड पॉलिसीज बनती है, तो उसमें वो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में भी जब आप एक महिला को नहीं पाते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पॉलिसी मेरे लिए बन रहा है, महिलाओं के लिए बन रहा है, उसमें भी महिलाओं के भागीदारी नहीं है, तो वो पॉलिसी क्या? तो इसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेगा।
तो हमारे साथ ही राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट नेता डिसूजा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर यह मार्च निकाला जा रहा है और कांग्रेस पार्टी आगे भी इस पे काम करती रहेगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं विभांशु त्रिपाठी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों के मतदान संपन्न हो गए हैं। वहीं सभी प्रमुख दल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम ने वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा से खास बातचीत की, आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव का 7वां चरण का मतदान आज देर शाम संपन्न हो जाएगा। वहीं अगर बात करें तो सभी पार्टियां अपने बहुमत की बात कह रही हैं। सभी पार्टियां कह रही हैं कि हम सरकार बनाएंगे। वहीं 10 मार्च को चुनाव के मतगणना के बाद इस चीज को सिद्ध हो जाएगा कि कौन सरकार बनाएगा। वहीं अगर बात करें तो तमाम पार्टियों के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में ऐसे वोटर्स को आकर्षित करने के लिए तमाम लुभावने ऑफर दिए गए और 10 मार्च को इस मतगणना के बाद, इस नतीजे के बाद इस चीज का सिद्ध हो जाए कि जनता किस तरफ गई है। इसी कड़ी में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश जी हमारे साथ हैं, दिनेश शर्मा जी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके मुताबिक कौन सी पार्टी जो 22 की रेस है उसमें सबसे आगे चल रही है और सरकार बना सकती है और आज से एग्जिट पोल भी शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारे दलों से आगे चल रही है और सरकार बनाने की तरफ वो अपने 5वें चरण में ही जा चुकी है। तो इसलिए ये इस पर मैं ये मानता हूं कि इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही कि नहीं आ रही है। सर, किसान आंदोलन हुआ, खाप पंचायत हुए, पहले चरण में कहा जा रहा है कि जो पहले चरण की सीटें हैं, जो 58 सीटें हैं पहले चरण की 11 जिलों की, उसमें भाजपा को नुकसान बताया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? क्या किसान आंदोलन और खाप पंचायत और जयंत चौधरी का जो बताया जा रहा है कि उनका कद धीरे धीरे बढ़ गया इस चुनाव में, इस पे क्या कहेंगे? जब 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो बिजनौर में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। तब जो जाट समाज था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, वो अजीत सिंह को माइनस करके कभी नहीं सोचता था। लेकिन उस दंगे के बाद जाट समुदाय ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय ने अजीत सिंह को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वो दिन और आज का दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय भाजपा के साथ मतदान करता है। आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का क्या असर है। देखिए, किसान आंदोलन में शामिल होने वाले लोग निश्चित रूप से एक बड़ी संख्या में थे, लेकिन अगर आप याद करें तो किसान यूनियन को जाट समुदाय ने राजनीतिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया। अगर कभी बात आई तो चौधरी अजीत सिंह को ही स्वीकार किया, लेकिन चौधरी अजीत सिंह की नीतियां कुछ इस तरह की रही कि वो भी जाट समुदाय को एकत्र नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह रहा कि उनके पुत्र जयंत चौधरी मथुरा से बार बार इलेक्शन हारे, अजीत सिंह इलेक्शन हारे, सोमपाल शास्त्री से इलेक्शन हार गए। तो इस राजनीतिक परिवार का जो एक जाट समुदाय पर वर्चस्व था वो खत्म हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश ने जाट समुदाय ने राजनीतिक रूप से किसान यूनियन को या नरेश टिकैत को कभी स्वीकार नहीं किया। इसलिए इस किसान आंदोलन का एक सीमित असर हो सकता है, लेकिन ये किसान आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया हो, मैं इससे इनकार करता हूं। वहीं अगर बात की जाए तो बसपा और कांग्रेस को इस बार के चुनाव में बहुत उनका बोलबाला नहीं रहा जैसा कि लोग कह रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? इस बार उनकी स्थिति क्या रहेगी बसपा और कांग्रेस की? आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है। कांग्रेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 1-2-3 सीटें आ जाएं, इसका मतलब साफ है बिल्कुल। जहां तक बसपा का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी एक डिसाइडेड फैक्टर है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वह भी अपने बूते पर सरकार बना चुकी है। अब आप कहेंगे कि इसके वोट इस चुनाव में क्या हुआ होगा। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का दलित समाज जो है वो पूरी तरह से मायावती के साथ जा रहा कि नहीं जा रहा। दूसरा यह है कि दलित समाज में जैसे 2017 में विभाजन हुआ था, उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था, इस इलेक्शन में भी दलित समाज अपेक्षाकृत अपने जीतते हुए कैंडिडेट को छोड़कर बाकी जगहों पर उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना विकल्प माना है। उसका सबसे बड़ा कारण उसके सामने सुरक्षा के मुद्दे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जो लाभार्थी हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो
लोगों को मकान और उनके क्या नाम खान पान खाने के लिए जो किया, और उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार ने जो किया उसका असर दलित समाज के ऊपर सकारात्मक है। तो इसलिए जो दो मुद्दे आपने उठाए हैं कांग्रेस के और बहुजन समाज पार्टी के, तो इस चुनाव में इनका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता है, यद्यपि बसपा अपेक्षाकृत थोड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी। वहीं अगर बात की जाए तो 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे और साफ हो जाएगा किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। अगर आपके मुताबिक जो प्रमुख पार्टियां हैं उनको कितनी सीटें मिल सकती हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि बहुमत जुटाने में सभी पार्टियों की दिक्कत हो? नहीं, उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा बिल्कुल नहीं आने वाली है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। जो इस प्रकार की एनालिसिस आ रहे हैं सामने कि बीजेपी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, वो ये भूल रहे हैं कि 15 करोड़ लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं, और ये वो लाभार्थी हैं जिनको कि हम दबा कुचला बोला करते हैं। और मैं दिनेश शर्मा हूं, हो सकता है कि मैं मतदान के दिन कहीं और चला जाऊं और अपने मतदान का उपयोग न कर पाऊं, लेकिन ये समाज वो है जो कि मतदान करने के लिए सबसे पहले लाइन में जाता है। और मैं अपने एनालिसिस के आधार पर ये कह सकता हूं, अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि अगर 15 करोड़ लाभार्थी हैं तो मान के चलिए अगर 10 करोड़ लाभार्थियों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है, और उसमें 20% वो काट दीजिएगा कि जो मतदान करने नहीं जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो बड़ा अच्छा बहुमत जा रहा है उसके वोट का। वहीं अगर बात करें तो पिछले चुनाव में आपने देखा कि आप पूर्व से कई पार्टियों को सरकार बनाते हुए देखे हैं, तो अगर भाजपा को बहुमत अपना बहुमत आंकड़ा जो 203 का है वो अगर सिद्ध नहीं कर पाती है बहुमत, तो कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो उसके साथ जा सकती है? वहीं बसपा के अटकलें चल रही हैं कि बसपा जा सकती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जब ये बात कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन है जिसका नेतृत्व जो है वहां पर जयंत चौधरी करते हैं, वो अगर कई सीटें ले आएगा, और अगर भारतीय जनता अगर बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छी सीटें ले आएगी और भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाई, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के गठबंधन के वो विधायक जो जयंत चौधरी को अपना लीडर मानते हैं वो बगैर प्रयास के ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। पहली बात तो ये काल्पनिक सवाल है कि आएगी कि नहीं आएगी बीजेपी। मैं इस पर अपना स्टैंड बहुत क्लियर आपके सामने बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से आएगी। अब बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आए, क्योंकि उनके पिताजी का जो ट्रैक राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड है, या आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का जो एक रिकॉर्ड है, जो इतिहास है बसपा के प्रति, वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। तो अगर बहुजन समाज पार्टी के पास अच्छी सीटें आती हैं और इन केस बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, तो बीएसपी भाजपा को ही अपना सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनेगी, समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं चुनेगी। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ जो भी दल, चाहे राजभर हो चाहे कोई हो, जो चुनाव लड़ रहे हैं और अगर ये जीतते हैं तो ये भी बगैर किसी देरी के पाला बदल देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधायक बनने मात्र से इन राजनीतिक दलों का काम चलने वाला नहीं है। इनको तभी लाभ है जब इनमें से एक दो लोग इनके सत्ता में भी आए। तो केवल विधायक बनने के लिए ये लोग नहीं आए हैं, राजभर नहीं आए हैं, ये सत्ता की भागीदारी के लिए आए हैं। तो जो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते, और भारतीय जनता पार्टी के पास उनको लगेगा कि इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं, तो वो तो तुरंत जाएंगे। और ये राजभर का जो रिकॉर्ड है, या स्वयं प्रसाद मौर्य जी का, तो हिस्ट्री सामने है आपके कि वो तो हमेशा सत्ता के साथ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है, वो सरकार आ रही है और बीजेपी को इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने तमाम सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया, और उनका साफ तौर पे कहना है कि पूर्व बहुमत के साथ भाजपा फिर से रिटर्न ले रही है और फिर से सरकार बनाते हुए दिख रही है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ।
देवरिया जनपद के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा करने को लेकर पीड़ित राजनाथ मिश्रा ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। राजनाथ मिश्रा ने बताया कि मेरे गांव के ग्राम प्रधान के सहयोग से कुछ भूमाफिया द्वारा मेरे जमीन में जबरन कब्जा करवाया जा रहा है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। मेरे जमीन में फर्जी बैनामा करा लिया गया है और उसके बाद भी कुछ दबंगों द्वारा प्रशासन की मिली भगत से मेरे जमीन को कब्जा कर लिया जा रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील परिसर में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां तहसील परिसर में सरकारी आवास का निर्माण हो रहा था। इसी दौरान तीसरी फ्लोर का छज्जा भरभरा कर गिर गया। वहीं हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस बारे में SDM प्रमोद कुमार ने जानकारी ली और बताया कि 2 मजदूर घायल हुए हैं। हमने ठेकेदार और मुंशी पर FIR दर्ज कर ली है। इस बारे में बहुत पहले एक बार कमिश्नर आए थे तहसील का मुआयना करने। तहसील का मुआयना करने के समय ही मैंने शिकायत किया था कि काफ़ी घटिया निर्माण हो रहा है। उस समय कमिश्नर यहाँ से ईंट, रेत और सीमेंट का नमूना लेकर गए थे, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उस समय तत्कालीन SDM राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी, लेकिन फिर भी ठेकेदार को कोई कार्रवाई नहीं हुई और वैसे लगातार घटिया निर्माण चलता रहा, जिसपे आज ये हुआ। जिसमें 3 मजदूर घायल हुए हैं, उसमें एक तो काफ़ी गंभीर है, जिसके सर पे चोट है और मुंह से खून निकल आया है। इसी तरह से घटनाएं आगे भी होती रहेंगी अगर प्रशासन ने कोई उचित कार्रवाई नहीं किया। अभी मैं मौके पर आया हूं और यहां 2 मजदूर घायल हुए हैं, जिनको भर्ती कराया गया है और तत्काल हमारे द्वारा जो है FIR कराया जा रहा है मुंशी के और ठेकेदार के खिलाफ। खबर मिर्जापुर से है, जहां जूनियर हाई स्कूल में तैनात BLO सावित्री देवी ने आदर्श जैन बाल मंदिर मतदान केंद्र 311 और बूथ नंबर 312 पर सभा कार्यकर्ताओं के ऊपर शराब के नशे में विवाद करने और घसीटने का आरोप लगाया है। बता दें कि इस दौरान बूथ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने सपा जनों को रोकने का प्रयास भी नहीं किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी रत्नाकर मिश्र ने इसकी शिकायत जिले के जिलाधिकारी से करते हुए कहा कि सपा की इसी गुंडाई की वजह से जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। मेरे साथ यहाँ सब हमें मारने की और DM के यहाँ पेश करने की धमकी दे रहे हैं कि आप पर्ची नहीं बांटी है। कौन दे रहा? अब सपा वाले नेता थे, कौन कौन थे हमें नहीं पता, हम किसी को पहचानी नहीं हूँ। अरे हमें एकदम चारों तरफ से घेर लिए, मैं कहीं निकल नहीं पा रही थी। ये लगा कि अब हम मुझे यहीं मार डालेंगे। इनका हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले आए, एकदम मैं हाथ पकड़, हम एकदम परेशान हो गए थे। कोई पीठासीन अधिकारी आया आपके पास? कोई अधिकारी बचाव के लिए आया आपके पास? हमें चक्कर आ गया। की ऐसी सूचना मिली, पहला बिल की तबीयत खराब हो रही है, हॉस्पिटल नहीं है। और जैसा कि BLO के द्वारा बताया गया है कि कोई जो है आदमी आया है और उनको कुछ मतलब ऐसी चीज़ें बोला है और डराने धमकाने वाले कुछ बातें किया है, और जिसके कारण उनकी मतलब उनका कहना है कि मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोशी की हालत में लगने लगे। जांच की जा रही है, जैसा भी होगा। BLO ने एकदम स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता और नेता लोग आए थे और उनके साथ बदतमीजी की है। उन्होंने जो बताया है उसका हमने बता भी दिया है कि आप प्रार्थना पत्र दीजिए, इसकी वास्तविकता की जांच करके और अच्छी विधि कार्रवाई करें। यह तो एक तरह से बहुत गंदी बात है, ये सपा का आप लोग सोझे देख रहे हैं गुंडागर्दी, और वो भी एक माता बहन के ये कर रहे हैं। क्या इनका चरित्र है, क्या करना चाह रहे हैं? यही तो गुंडागर्दी, इसीलिए इनको बाहर सरकार से जनता की है और फिर अभी आई नहीं, ये गुंडागर्दी चालू नहीं थे, इनके राज्य में कैसे बहन बेटियां मेरी सुरक्षित रहेगी? वहाँ पर पुलिस वाले भी थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, यही तो गुंडाई है ना, अभी हम बात करते हैं अधिकारियों से। श्रावस्ती जिले में आज CMO डॉक्टर AP भार्गव ने मिशन इंद्रधनुष 4.0 अभियान का शुभारंभ किया, जो 2 मई तक चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में CMO डॉक्टर AP भार्गव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि COVID-19 के दौरान नियमित टीकाकरण से छूटे हुए नवजात से 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। खबर मिर्जापुर से है, जहां दांती गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया और प्राथमिक विद्यालय दांती प्रथम पर बने 3 बूथ संख्या 383, 384 और 385 पर एक भी वोट नहीं पड़ा। साथ ही ग्रामीणों ने सड़क और सिंचाई की समस्या दूर किए जाने की मांग की और कहा कि गांव के लोगों ने 5 साल पहले भी मांग रखी थी पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी।
हम लोग बहिष्कार इसलिए किए हैं क्योंकि आज से 70 साल पहले जब से देश आज़ाद हुआ है हमारे दाती में मतलब कि आने के लिए चारों तरफ से रोड है लेकिन आज तक कोई रोड बना नहीं है और सबसे हाँ रास्ता हम लोग पथरी रास्ते से गुजरते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है रोड का और पानी का। हम लोगों ग्राम सभा में रोड नहीं है और सिंचाई से वंचित है, पानी का साधन नहीं है यहाँ पर, रोड किसी तरफ से नहीं है, चारों तरफ से बंद है एकदम। तो हाँ 5 साल पहले मांग किए थे तो क्या हुआ, क्या कोई काम नहीं हुआ, कोई आश्वासन नहीं मिला। खबर मैनपुरी से है जहां कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को पकड़ा। बता दें कि चोरों ने अपने आसपास मोटरसाइकिल चाबी रखते थे और ताकि मौके पर मिलते ही बाइकों को चुराया जा सके और बाइकों की नंबर प्लेट भी बदल देते थे। पुलिस ने चोरों के पास से मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और कहा चोर के 2 साथियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय मैनपुरी के निर्देशन में चलाया जा रहा है अभियान के तहत आज कोतवाली पुलिस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की। 2 बड़े मोबाइल स्नैचर और गाड़ी की भी चोरी करते हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम गिरीश उर्फ गोलू है जिसके ऊपर 3 चोरी के मुकदमे पहले से ही है और इनसे बरामदगी भी हुई थी। दूसरा जो अभियुक्त है नीलेश उर्फ फटवा, इसके ऊपर भी 2 मुकदमे पहले से ही हैं। ये लोग एक ऐसी मास्टर की हो जिससे गाड़ी के लॉक में डाल के लॉक तोड़ देते हैं और गाड़ी चुरा लेते हैं या आते जाते किसी की मोबाइल बात कर रहा है तो उसको छीन लेते हैं। इस तरह की घटना करते रहते हैं। पूर्व में मुकदमे भी हैं और भी कई बातें इन्होंने बताई है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह घटना करने वालों में 2 लोग और भी हैं जो मौके से फरार हो गए। एक का नाम निखिल चौहान है और दूसरे का नाम पीयूष उर्फ भांजा। ये दोनों भी शातिर अपराधी हैं। खबर बस्ती से है जहां जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने कृषि उत्पादन मंडी समिति पहुंचकर मतगणना व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिया कि पोस्टल बैलेट के साथ ईवीएम की मतगणना के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान ADM अभय कुमार मिश्रा और सभी रिटर्निंग ऑफिसर भी उपस्थित रहे। बता दें कि जनपद में 3 मार्च को विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदान हुआ था। अयोध्या पुलिस ने अंतरजनपदीय शातिर चोर गैंग का खुलासा किया है। कोतवाली नगर पुलिस ने अंतरजनपदीय गैंग के सरगना अमित तिवारी समेत 6 चोरों को आचार्य नरेंद्र देव सिटी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी किए गए सामान भी बरामद किए गए हैं। साथ ही कोतवाली नगर पुलिस ने 3 घरों में हुई चोरी का भी खुलासा किया है। ASP अयोध्या के नेतृत्व में थाना कोतवाली की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 6 अंतरजनपदीय चोरों के गिरोह को पकड़ा है। इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है तथा इनका जो गैंग लीडर है वो अमित तिवारी थाना खड़गोपुर जनपद गोंडा का रहने वाला है। इसमें अमित को लेके 5 जो अपराधी हैं गोंडा के रहने वाले हैं और 1 अपराधी जिसका नाम आकाश यादव है वो थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र का रहने वाला है, जो इन अपराधियों को अपने यहाँ बुलाता था और वहाँ से ये योजना बना के विभिन्न आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। इनकी गिरफ्तारी से कुल 3 घरों में जो चोरी की घटनाएं हैं उनका अनावरण हुआ है। साथ ही साथ इनके पास से असलहे कारतूस इत्यादि बरामद हुए हैं। जो सामान है उसमें कई आभूषण भी बरामद किए गए, साथ ही साथ बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ATM कार्ड इनकी भी बरामद। खबर फतेहपुर से है जहां जहानाबाद कस्बे में सोमवार साप्ताहिक बंदी का असर दिखा। नगर पंचायत कर्मचारियों ने साप्ताहिक बंदी को सफल बनाने के लिए भ्रमण पर थे। वहीं लालूगंज बाजार में एक कपड़े की दुकान खुली पाई गई जिस पर नगर पंचायत के कर्मचारियों ने जुर्माने की रसीद थमाते हुए जुर्माना वसूला। वहीं मोहल्ला पोजेपुर में भी कॉन्फ्रेंसिंग दुकान खुली देखी गई और जिससे उन्हें भी जुर्माने की रसीद थमाकर उनसे जुर्माना वसूला गया। साप्ताहिक बंदी के निर्देशों का अनुपालन करने की सख्त हिदायत भी दी गई।
गाजीपुर जनपद की मोहम्मदाबाद सीट हॉट सीट मानी जाती रही है। बता दें यहां से बसपा सांसद अफजाल अंसारी के भतीजे शोएब अंसारी सपा से प्रत्याशी हैं। दिलचस्प बात है कि अफजाल अंसारी के दोनों भतीजे सपा गठबंधन से प्रत्याशी हैं और बीजेपी से अलका राय यहां से प्रत्याशी हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। माना जा रहा है कि अंसारी परिवार अब अपनी नई पीढ़ी को राजनीति में आगे कर रही है। रुक करते अगली खबर की तरफ। यूपी के बांदा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक वृद्ध मुख्यालय में अधिकारियों के दफ्तरों में अपने जिंदा होने की फरियाद करता घूम रहा है। सरकारी दस्तावेजों में 8 महीने से बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया गया है, वहीं अब उन्हें अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। पैसा नहीं मिल रहा, क्या हुआ है? पैसा क्यों नहीं मिल रहा? मृत दिखा दिया है, हाँ? मर गया है। कौन मर गया है? मुझका खाते। तुमका खाते मर गया है? हाँ। अच्छा, कितने दिन से परेशान हो? मैं परेशान हूँ असार से। असार से? हाँ। 6-7 महीने हुई गए? हाँ, अभी 10 महीना। अभी ये भगवंता पुत्र चुनवाद निवासी ग्राम नए विकासखंड में हुआ, ये उपस्थित हुए हमारे समक्ष। इन्होंने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मुझे मृत दिखाकर और पेंशन मेरी बंद हो गई है। तो प्रार्थना पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजा जा रहा है, जांच करके जो भी तथ्य पाए जाएंगे नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी इसकी मेरे कार्यालय में डॉक्टर साहब ने यहाँ पे भेजा था व्हाट्सएप पे, उसको मैंने देखा और लाभार्थी भी गया था मेरे पास, जिसकी ब्लॉक स्तर से सचिव ने उसको मृतक का पात्र दिया है जांच में। अभी तक जो मेरे समझ में आया है तो उसके खिलाफ मैं खंड विकास अधिकारी महुआ को लिखूंगी और उसके खिलाफ वो जो भी कार्रवाई करेंगे। और लाभार्थी को बता दिया है कि वो न्यू फॉर्म अपना फिल करें, डॉक्यूमेंट्स ले आए अपना। बिजनौर की रहने वाली मेघना सिंह ने पाकिस्तान को हराने में अहम भूमिका निभाई। बता दें कि न्यूजीलैंड में चल रहे महिला विश्व कप के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को 107 रन की करारी शिकस्त दी और साथ ही शानदार गेंदबाजी की। वहीं भारत की जीत से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। खबर बदायूं से है, जहां थाना उघैती में सनसनीखेज घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाशों ने अज्ञात युवक के सर पर डंडे से हमला किया, जिससे युवक के सर पर गंभीर रूप से चोट आई और मौके पर युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव के प्रधान से युवक की पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते गांव के प्रधान पर हमला करने की आशंका जताई जा रही है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि उस समय मृतक के परिजनों ने बताया था कि रात्रि में जब ये गायब थे तो रात्रि में टेलीफोन के द्वारा मृतक के टेलीफोन से ही अभियुक्तगण ने टेलीफोन कराया था कि उनको कुछ लोगों ने पकड़ लिया है, लेकिन ये बात नहीं पता चल पा रही थी कि कारण क्या है। जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई तो उन्होंने कबूल किया और उन्होंने बताया कि एक गाँव के ही खुशीराम को फंसाने के उद्देश्य से इन्होंने ये हत्या की और ये फ़ोन भी उसी उद्देश्य से कराया था और इसलिए इसको मारा था कि इसको मार देंगे और अपने अपोनेंट खुशीराम को इसकी हत्या के अभियोग में फंसा देंगे। ये हमारी टीम ने अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके बहुत ही कम समय में इसका खुलासा किया है। इसके उत्साहवर्धन के लिए 15,000 रुपये हमारी तरफ से कैश अवार्ड दिए जाएंगे। एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ है और एक हत्या के अभियोग का खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।